अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां और सिख हिंदुओं के सकुशल भारत लौटने पर सिख समाज के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए अरदास की। इस मौके पर सिख समुदाय में खुशी की लहर देखने को मिली। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां और सिख समुदाय के अफगानिस्तान से भारत सकुशल आने पर गुरदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रयास के चलते ये संभव हो पाया है। कई हिंदू परिवार अफगानिस्तान में फंस गए थे और पीएम मोदी इन्हें सकुशल भारत वापस लाए हैं। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि भारत आने पर समूचे सिख परिवार में खुशी की लहर है। गुरु ग्रंथ साहिब की जो तीन पवित्र प्रतियां अफगानिस्तान से भारत लाई गई हैं, उसके लिए सिख परिवारों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से नाटो की सेना वापसी के बाद वहां तालिबानों ने कब्जा कर लिया है और तालिबानियों द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रयास के बाद कई भारतीयों को भारत वापस लाया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तीनों पतियाँ भारत में बहुत ही सत्कार और प्रेम के साथ लाई गई हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का समूचा सिख परिवार और सिख समाज कोटि कोटि धन्यवाद करता है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।